अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ सालसा बनाने की 3 रेसिपीज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ मैंगो सालसा, इसके बाद क्यूकम्बर सालसा और एविकाडो सालसा। मैंगो सालसा बनाने के लिए ये मैंने 2 मैंगो लिए हैं जिनकी स्किन मैंने उतार ली है। इसके अलावा आपको डिफरेंट कलर के पेपर्स चाहिए, ये मैं ग्रीन पेपर यूज़ कर रही हूँ, रेड और ऑरेंज। साथ ही 1/2 लेमन मैंने लिए है और 2 मैंने ग्रीन चिलीज ली है। इसके लिए आपको एक ग्रिल पैन भी चाहिए होगा, वो मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले आप मैंगो के पीस काट लीजिए। मैंगो आपने बहुत राइप नहीं लेने, ना बहुत ज़्यादा कच्चे हों ना ही बहुत ज़्यादा पक्के हों। ये मैं 2 मैंगो यूज़ कर रही हूँ, इनको पहले आप इस तरह काट लीजिए। ये पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें आप मैंगो के पीस ग्रिल कर लीजिए। पहले जब तक ये ग्रिल होते हैं मैं आपको नेक्स्ट सालसा की रेसिपी बता देती हूँ। क्यूकम्बर सालसा बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, उसके लिए सबसे पहले क्यूकम्बर, खीरे ये 2 मैंने लिए हैं, ऑनियन, प्याज 1 चाहिए आपको दरमियाने साइज़ की, टोमेटो जो हैं टमाटर ये 2 चाहिए आपको, ये भी दरमियाने साइज़ के हैं, 1/2 लेमन लिया मैंने और साथ ही हेलिपेनो पेपर, ग्रीन पेपर मैंने लिए ये 1 मैंने लिए, कॉर्न मकई के दाने ये 1/2 कप मैंने लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप यूज़ कर लें। सिलांट्रो हरा धनिया ये भी अंदाजे से मुझे चाहिए और ब्लैक पेपर्स और सॉल्ट ये भी आपको चाहिए होगा। पहले एक कम्बर काट लेते हैं और इसका छिलका
हॉट नहीं है, आप जो है हॉट मिल्क तेज वाली भी आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लेमन डाल दीजिए, हैफ लेमन चाहिए होगा इसके लिए। ये दो मैंने मैंगो लिए थे और हैफ हैफ मैंने डिफरेंट कलर के पेपर्स लिए थे। साथ ही इसमें सिलांट्रो डाल दीजिए 1 टीस्पून। हैफ टी स्पून सॉल्ट,